क्लीनिंग का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन विंटर क्लीनिंग भी और विंटर एडिशन होना चाहिए। हमारी स्किन केयर और हमारे मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज होने चाहिए। सर्दी में हमें चाहिए है सब कुछ क्रीम बेस्ड। अभी तक अगर आप पाउडर बेस्ड ब्लश यूज़ कर रही थी, पाउडर बेस्ड आई शेडो यूज़ कर रही थी, या लिपस्टिक्स यूज़ कर रही थी जो जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लॉस था, तो अब वो वक्त आ गया है कि आपको उन्हें चेंज करना है। सबसे पहले एक क्लिंजिंग मिल्क से आप रात को अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, और सुबह भी अगर आप मुंह धोने के बाद एक बार क्लिंजिंग मिल्क लगाते हैं तो वो नमी को वापस स्किन में पहुंचाता है। एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा के और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाएंगे। सर्दी के अंदर फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, तो वो बहते हुए नहीं लगते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके आईलाइनर या आई शेडो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें बिल्कुल फेंक देना चाहिए। कभी भी मेकअप प्रोडक्ट को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ये एक आम सी टेंडेंसी है कि खासकर आई शेडो अगर ख़त्म होने लगी है तो थोड़ा एक ड्रॉप पानी डाल लिया जाए या मस्कारा यूज़ कर लिया जाए, वो उसकी कंसिस्टेंसी बदल देता है और आपको इन्फेक्शन देने का चांस हो सकता है। तो आज ही लालच छोड़ के जो पुराना प्रोडक्ट है उसे फेंकेंगे और अच्छे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट सर्दी में इस्तेमाल करेंगे।